जय माता दी। ईश्वरी कृपा मातांगी महाकाली दरबार में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और उम्मीद करते हैं कि आप सबके दिन अच्छी तरीके से बीत रहे होंगे और सावन जो है आप बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा हो रही होगी। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि सभी लोग जो है अपने अपने जो भगत होते हैं वो तंत्र मंत्र की बात करते हैं या सिद्धियों की बात करते हैं, और आप जो है अधिकतर नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। तो क्या भगताई में यह सब आवश्यक है? क्या इसके बिना भगताई नहीं हो सकती है? तो करते हैं हम इसी विषय पर चर्चा, और उसके पहले कर लेते हैं निवेदन आपसे कि आप हमारे चैनल पर नए आते हैं या पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने यदि अभी तक नहीं किया तो भी कर लें, और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए, तभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मूलेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारणे स्थिता देवी रुद्रारणे संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद धारिणी धर्मारणे तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोर जनहा वंदिता मातंगी मोर कुले कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। तो देखिए, ये सबसे मूल आधार है, मजबूत आधार है, यही आपका बेस है। यदि आप भूमि पर भवन बनाते समय या कोई भी निर्माण करते समय उसकी नींव को मजबूत नहीं करते हैं, उसमें आप जो है ठोस आधार निर्माण नहीं करते हैं, तो कोई भी भवन या कोई भी निर्माण संभव नहीं है, वो स्थायी रूप से टिक नहीं सकता है। तो इसीलिए जो लोग अपने आधार को मजबूत करते हैं वही कोई निर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को किसी जगह जाकर के केंद्रित कर सकते हैं। तो जो भगत होते हैं वो सिर्फ तंत्र मंत्र सिद्धि की बात जब करते हैं तो सबसे पहली बात यही आती है कि आप डायरेक्ट तंत्र मंत्र सिद्धि में चले जाते हो तो आपको वो सफलताएं उसमें नहीं मिल पाती, वो अनुभव नहीं मिल पाते हैं। देव योग से आपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हों, आपने लोगों के लिए बहुत नैतिकता से सोच विचार करके उनके लिए अपने हृदय में कुछ बातों को धारण करके, यानी कि आपको किसी को देख के दुख हो रहा है, किसी को देख के पीड़ा हो रही है, किसी को देख करके आपके मन में ऐसे ऐसे दया के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि आपके अंदर जो है संवेदना है, आपका मन द्रवित है, आपका मन जो है चंचलता की ओर कम जाता है, भक्ति की ओर ज़्यादा जाता है, लोगों की पुकार पर ज़्यादा जाता है, लोगों की पीड़ा पर आपको दया आती है, करुणा आती है। तो आप जीवित व्यक्ति हैं, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप भगताई के योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये जो आपने पूर्व जन्मों में सब कुछ किया है, तो आपने अगर पूर्व जन्मों में 100% किया तो इस जन्म में 2-5-10% वो चीज़ आपकी आएगी ही आएगी, स्वाभाविक तौर पर से आएगी। तो आपके अंदर वो संवेदनशीलता मौजूद होती है, इसलिए आप चाहे डायरेक्ट भी चले जाते हो जब तक व्रत सिद्धि में, तो आपको अनुभव भी होते हैं और आपका ध्यान जो है धीरे 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 इन्हीं चीज़ों की तरफ अधिक जाने लगता है। परंतु जिसने पूर्व जन्मों में भी कभी कुछ नहीं किया और इस जन्म में, अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो सबके जन्म जन्मांतर के कर्म जो है एकदम से चेंज कर दिए इस डिवाइस ने, यानी कि अब देखा देखी भी उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बहुत अधिक हो रहे हैं, तो उस कारण से आप अगर डायरेक्ट तंत्र मंत्र सिद्धि में जा तो रहे हो लेकिन अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो अब आप कह रहे हो क्या करें क्या करें, तो कोई आपको बताता है आप ये दान पुण्य करो, कोई बताता है आप ये करो, कोई कहता है आप कुत्ता पाल लो, कोई कहता है गाय को चारा दे आओ, यानी कि जो कर्म आपको स्वाभाविक तौर से करने चाहिए थे वो भक्त अब आपसे करवा रहे हैं विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न समस्याओं के उपाय के रूप में। तो यह चीज़ आप स्वतः ही कर पाएं, और इन सबको करवाने का मूल उद्देश्य वही है कि आपके मन में ये सारे भाव जगाना, संवेदनता जगाना, और जब तक आप ये सब नहीं आपके हृदय में जागता है, ये सब आपके अंदर उपस्थित नहीं होता है, दया का भाव आदि आदि आदि, आप भक्ति ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि ना आप किसी की पीड़ा को समझते हैं, ना किसी की पीड़ा को दूर करने का कोई आपके अंदर भाव है, तो क्या तो आप जन कल्याण करेंगे, क्या तो आप देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करेंगे, और क्या तो आप जो है सिद्धियों को प्राप्त करें। सिद्धियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिनके मन में कोमलता होती है, ईश्वर के प्रति भक्ति होती है। कोमलता का अर्थ यहाँ वो नहीं है कि आप नाजुक कली हो जाएं हर कोई व्यक्ति, नहीं,
कोमलता का अर्थ ये कि आपके मन में किसी को पीड़ा में देखकर पीड़ा अगर महसूस होती है, आपको किसी गलत घटना को देखकर के ये लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो वही मूल चीज है कि आपके अंदर उपस्थित होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तभी ना आप उस ईश्वर से जुड़ोगे जो ईश्वर सबके लिए एक समान भाव रखते हैं, सबको सबके लिए एक समान वो ये देखते हैं कि कौन मेरा संतान जो है दूसरे संतान की दुख तकलीफ से दुखी है, कौन संतान ऐसी है जो दूसरे के दुख तकलीफ को कम करना चाहती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, विशेषताएं होना चाहिए, और यही भगत की विशेषताएं होती है। तो जो हम इसीलिए लोगों को अधिकतर तंत्र मंत्र सिद्धि की बातें कहने के बजाय ये बातों पर जोर देते हैं, क्योंकि जब तक ये बातें नहीं होंगी आपके अंदर, आप किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र सिद्धि में चले जाओ, आपका ना तो कल्याण होने वाला है, ना ही कोई विशेष अनुभव होने वाले। और जो लोग हमारे पास आए, कई ऐसे लोग आए जिन्होंने कभी जीवन में जो है पूजा पाठ आदि नहीं किए थे, वो लोग भी जब बताए हुए मार्ग से चलते हैं तो उनको अनुभव सहर्ष और बहुत जल्दी हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ ये हम महसूस कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें अब होना स्टार्ट हो गई हैं, हम पर देव कृपा होना शुरू हुई है, हमें भगवान सपने में दिख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरह के उनको अनुभव अब होने लगते हैं। देखिए, आप किसी भी शक्ति को विवश नहीं कर सकते अपनी बात मनवाने के लिए। आप तंत्र में अगर जाओगे तो तंत्र में भी जाने के लिए शुरुआत में तो आपके अंदर भक्ति और विश्वास तो होना ही चाहिए, तब जाकर के आप तंत्र के मार्ग पर चल सकते हो, जहाँ बलि आदि ये वो पूजाएं देकर के, शमशानिक क्रियाएं करके, तामसिक सात्विक तमाम तरह की क्रियाओं को पार करते हुए आप जो है किन्हीं शक्तियों को वश में कर सकते हो, किन्हीं शक्तियों को, ईश्वर को नहीं। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता होता है भक्ति का। भक्ति अगर आप करते हैं तो भक्ति के वश में भगवान होते हैं, और उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कह देंगे कि जाओ ये कर दो, जाओ वो कर दो, और भगवान चमत्कार करते रहेंगे हर चुटकियां बजा बजा के आपके लिए। नहीं, भगवान जो है आपका कल्याण करेंगे, आपका उद्धार करेंगे, आपको सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, मजबूती देंगे, आपके अंदर के निर्बलता को सबलता में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि आप बलवान होंगे, बल विद्या बुद्धि से बलवान होंगे, तो वो कार्य में सहायता करते हैं ईश्वर आपकी, ताकि आप जो जगत का कल्याण करने के उद्देश्य से आप निकल पड़ते हो उसमें करते हैं। जगत का कल्याण हम हर बार कहते हैं सिर्फ झाड़ फूक से नहीं होता, सिर्फ इस बात से नहीं होता जगत का कल्याण कि आप जो है चार लोगों को तंत्र मंत्र टोट के बताएंगे तो ही जगत कल्याण होगा, नहीं। जगत कल्याण के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूप से आपको करना होता है, दोनों ही तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं तब जाकर के आपको सफलताएं प्राप्त होती है। आधुनिक युग में आपके सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो जो आधुनिक युग है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, और उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, कई लोगों के सिचुएशन को आप बदल सकते हो, कई लोगों का आप हेल्प कर सकते हो, आप आसानी से इजी तरीके से कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए, वो सब चीज़ों में आगे आना चाहिए। आप सिर्फ जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दें, कहीं लंगर लगता है तो आप खाने की सोचते हो, कभी खिलाने की भी सोचना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी बात है कि हम सुविधाओं का लाभ लेने की तो सोचते हैं, हम ये तो सोचते हैं कि ईश्वर ने दूसरों को जो दिया है वो हमें प्राप्त हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने हमें किसी चीज़ के लिए सक्षम किया है तो हम वो दूसरों को दें, हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। और यही बातें आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, आपको अपने कर्म बंधन में बांध लेती हैं, यानी बंधन में बांधने का अर्थ है कि आपका मुक्ति का रास्ता अवरुद्ध करती हैं, आपको रोकती हैं। तो ये बातें आप जानिए, समझिए, सीखिए, और तभी आप कुछ कर सकते हैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में। आपको किसी को देख करके तोलना नहीं है अपने आप को कि आध्यात्मिकता का मतलब उसने किसी भगवान से प्रार्थना की तो उनने फूल गिरा दिए, उन्होंने माला गिरा दी, उनकी झोली में ये डाल दिया वो डाल दिया। आपको अपनी तुलना उससे नहीं करनी है कि क्या मेरी भक्ति फिर कमजोर है अगर मुझसे ऐसा नहीं हो रहा है। वो हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, उसकी अनुसार उसका वो निरंतर जो है अभ्यास करते हैं, तब जाकर के उस प्रकार से वो उस देवता को साधते। आप सारा जीवन इन्हीं चीजों पर अपना लगा देंगे
आप भक्ति जो होती है कहते हैं ना निष्काम भक्ति, यानी कि जिसमें कोई आपको चमत्कारों की उम्मीद ना हो, जिसमें आपको कोई भगवान से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद ना हो, आप उस भक्ति में सिर्फ भगवान को ही प्राप्त करने की आस रखते हैं, तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं अन्य लोगों से। आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा आपके द्वारा कहे गए एक एक शब्द लोगों के जीवन में कितना अधिक परिवर्तन कर देते हैं, और लोगों की सहायता अनजाने भी आप कई बार कर जाते। आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि आप किसी की मदद कर रहे हो, आपके द्वारा मदद हो जाती लोगों की, और उसका श्रेय भी आप स्वयं नहीं लेते, क्योंकि आपको तो ज्ञात ही नहीं है कि हमारे द्वारा क्या हो रहा है। इन्हीं चीजों को चमत्कार कहा जाता है, जो आप करते नहीं है लेकिन आपके माध्यम से होते हैं, और यही चीज जो होती है ईश्वरीय चमत्कार मानी जाती है, ईश्वरीय कृपा मानी जाती है, जो एक के साथ साथ कई लोगों का भला करती है, कई लोगों का उद्धार करती है। सावन के महीने में जो है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा और सफल उपाय है कि आप शिव महापुराण लगाएं या फिर आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें। ये दोनों ही चीज जो है, ये दोनों ही ग्रंथ जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। आपको एक ही साथ श्री हरि नारायण और श्री सदाशिव जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, और इन शक्तियों की कृपा प्राप्त करते ही आपके मन में एक अजीब सी शांति आती है, और तमाम जो सिद्धियां हैं, साधना हैं, देवी देवताओं की कृपा स्वतः ही आपके साथ चल पड़ती है। तो ये सेवा आप कर सकते हो। आप इनको चाहे तो ऑनलाइन पढ़ें, चाहे घर में ग्रंथ मंगा के पढ़ें। जैसे हमारा तो मानना है घर में आप ग्रंथ ला करके पढ़ते हो तो उसका विशेष महत्व होता है, तो आपको समय निकाल के थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। सावन में आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, और शिव पंचाक्षर स्त्रोत पढ़ सकते हैं, और कई प्रकार के ऐसे पाठ हैं जो आप कर सकते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इन पाठों को कोई भी कर सकता है, बिना दीक्षा के भी आप कर सकते हो, तो इनको आप जरूर करें। भगवान पर जल चढ़ाना तो हम शुरू दिन से ही आपको बता रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ईश्वर की कृपा आपको सहज सुलभ उपलब्ध करवाती हैं। आपको कुछ कर्म जो होते हैं वो इस प्रकार के करना चाहिए जिससे कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। सावन में जो लोग 12 महीने नहीं करते वो करना चाहिए। अभी हम एक व्यक्ति का वो आर्टिकल पढ़ रहे थे, वो ये कह रहे थे, उसका सार ये था मतलब कि 12 महीने तो आप कहते हो कि हमें ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, और सिर्फ 1 महीना मुंह बंद रख के कौन सा आप भगवान के ऊपर एहसान करते हो। तो बिल्कुल सत्य बात है अगर हम इसको मांसाहार पर लेते हैं, क्योंकि जो लोग 12 महीने जीवों की हत्या करते हैं, उनको मार करके, उनके प्राण ले करके, उनकी लाश को खा करके स्वाद लेते हैं, और फिर वो 1 महीना कहते हैं कि हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो बाकी महीने भगवान की आराधना करना क्या आवश्यक नहीं था? क्या बाकी महीने भगवान की भक्ति करना आपको आवश्यक नहीं लगता है? तो यह चीज वो लोग आपको इन चीजों को भी वो ये चाहते हैं असल में कह करके बहुत सारे लोग कि आप वो 1 महीना भी क्यों मतलब छोड़ रहे हो, आप उसे 1 महीना भी खाओ पियो ऐश करो, लेकिन हम उस चीज को उल्टा देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब आपको इस चीज का एहसास है कि 1 महीना इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, लोग नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, सावन, इन चीजों में तो दूर रहते हैं तामसी पदार्थों से, बाकी महीने में फिर लगे रहते हैं, भिड़े रहते हैं उन्हीं चीजों में, तो आप बाकी महीनों में या बाकी दिनों में भी क्यों नहीं इन चीजों से परहेज करते हैं? क्या बाकी दिन भगवान के नहीं थे? क्या भगवान आंखें बंद करके बैठ जाते हैं? या बाकी दिन जीवों में दर्द नहीं होता, उनमें प्राण नहीं होते हैं, खाली इन्हीं दिनों में प्राण होते हैं? तो ये चीज सोचना चाहिए, आपकी बुद्धि है, आप जानते हैं कि यह चीज गलत है, तभी उस 1 महीने में या व्रत त्योहार में आप त्यागते हो, तो बाकी दिन क्यों? बाकी दिन भी आप धीरे धीरे करके त्याग करना सीखें। हम ये जरूर जानते हैं कि जिनकी आदतें होती हैं वो धीरे धीरे ही छूटती हैं, क्योंकि आप जिस भी तरह का जो भी काम करते हैं आगे जा करके अपनी सफलता को प्राप्त करके, वो उसका कुछ हिस्सा जन कल्याण में अवश्य जाए, हम ऐसी कामना करते हैं। मूल यही है कि सिर्फ तंत्र मंत्र की बातें करना उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना जागृत हो कि तंत्र मंत्र का जो उद्देश्य है, देवी देवताओं का जो उद्देश्य रहा है इन चीज़ों के लिए, व्यक्ति को सक्षम बनाने का रहा, व्यक्ति को मन में जो है मनुष्यत्व जगाना रहा, क्योंकि शरीर तो सबका है, ठीक है, शरीर पशु का भी है, शरीर मनुष्य का भी है,
और शरीर सिर्फ होने से काम नहीं होता, उस शरीर में एक बुद्धि भी होना चाहिए, एक विवेक होना चाहिए, करुणा दया आदि के भाव होना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से जीवित माना जाता है। ठीक है, तो लोग जीवित हों, जो मृत पड़े हुए हैं वो सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, वो जागृत हों, वो कुछ करें। आज की बात अगर हम कहें कि अगर हम किसी से कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हमें ये कार्य करना है जन कल्याण का, तो वो हमसे पहले ये पूछते हैं हमारी हमें कितनी फीस मिलेगी, हमें कितनी फीस मिलेगी। दान करने चलना है, हमें 10 लोगों को कुछ दान करना है, तो वो पूछेंगे हमें क्या मिलेगा। तो अब आप समझ रहे हैं, दान करने चलना है तो उसमें वो दान नहीं देते हैं, बल्कि ये पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ जब वृत्ति ही ऐसी हो जाए लोगों की कि वो आपको आधा घंटा 1 घंटे का समय नहीं दे सकते हैं सिर्फ साथ खड़े होने के लिए, उसमें भी उन्हें जो है मजदूरी चाहिए एक तरीके से, उसमें भी उन्हें एक तरीके से अपना स्वार्थ पहले दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको क्या लगता है कि शक्तियाँ जुड़ जाती होंगी? ऐसे लोगों के साथ आपको लगता है कि शक्तियाँ जुड़ के काम कर जाती होंगी? नहीं, जहाँ स्वार्थ हो, लोभ की पराकाष्ठा हो, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं चलती, स्वतः ही रुक जाती हैं, अवरुद्ध होती हैं, मार्ग अवरुद्ध भी करती हैं। भगवान शिव का जो स्वभाव रहा है, ओघड़दानी उन्हें कहा जाता है, यानी कि वो सोचते नहीं है देने के पहले, सब कुछ देते हैं कि मेरे पास जो है मैं दे दूँ। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप भी बाबा जी हो जाओ, उनकी तरफ बैरागी हो जाओ। आप अगर घर परिवार में, तो आपकी जवाबदारी है उसको चलाने के लिए, उसको वहन करने के लिए आपको धन चाहिए, परंतु कुछ प्रयास हमारे ऐसे होने चाहिए कि हम जन सहयोग से कुछ काम को आगे बढ़ा सकें, कुछ कर सकें, लोगों का कल्याण कर सकें, लोगों का उद्धार कर सकें। आप जरूरी नहीं कि 1,000 लोगों का उद्धार कर देंगे, अगर आपने प्रयास किया और एक व्यक्ति का भी आप उद्धार कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। पर वो एक व्यक्ति आपका रिश्तेदार ना हो, आपका निजी पर्सनल वहाँ कोई लोभ लालच ना हो, तब वो उद्धार उद्धार कहलाता है, अन्यथा अपनों अपनों को तो सभी भरने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि हम भगताई के साथ साथ नैतिकता की बात क्यों करते हैं। सिर्फ भगताई में तंत्र मंत्र के अलावा हम ये बात पर क्यों जोर देते हैं कि लोग अपने आचरण को भी बदलें, क्योंकि यह भक्ति में सही मार्ग है और ये कहें कि आवश्यक है। जय मोरेश्वरी बोल बोल, जय माता दी। ओम मणिक्यमीणामप्लालयन्तीं मदालसां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गीं मतङ्कन्यामनसा स्मरामि।